आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस, नेवी, आर्मी, रेलवेज, रेलवे में आपका ALP, लोको पायलट, इन सब जॉब्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो इन सब जॉब्स में एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपकी नज़र की भी जांच करी जाती है। तो उस नज़र की जांच में मेडिकल में आपके कौन से टेस्ट होते हैं नज़र के, उनमें क्या देखा जाता है, उनको कैसे करा जाता है, तो इन सब बातों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को विजन टेस्टिंग, रिफ्रैक्शन या विजुअल एक्विटी की टेस्टिंग कहते हैं। इस टेस्ट में बेसिकली दो तरह की जाँच करी जाती है, नज़दीक की नज़र और दूर की नज़र। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि नज़दीक की नज़र, देखिए इस तरह से टेस्ट होती है। आपको बिठाया जाएगा एक सीट पे, एक किताब दी जाएगी जो करीब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी, और आपको वो किताब ऊपर से लेके नीचे तक पढ़नी है। नीचे तक पढ़ने तक ये ध्यान रखना है कि आपको नीचे N6 या ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ तक पढ़नी है, यहाँ तक आपको विजन चाहिए मेडिकल क्लियर करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में कि दोनों आँखें इकट्ठे टेस्ट नहीं होती। पहले एक आंख को टेस्ट किया जाएगा, फिर दूसरी आंख को टेस्ट किया जाएगा, और जब पहली आंख टेस्ट हो रही होगी तो दूसरी आंख को या तो हाथ से बंद करवाएंगे वो, या इस तरह का ऑक्लूडर जो आप देख रहे हैं, काले रंग का लेंस होता है एक तरह का, जिससे लाइट पास नहीं करी जाती, ये इस तरह के आपको फ्रेम बना के ये ऑक्लूडर लगा के टेस्ट कराया जाएगा। दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है दूर की जाँच। दूर की जाँच में आपको एक चार्ट होता है जिसको स्नेलन चार्ट कहते हैं, उससे 6 मीटर दूर बिठाया जाएगा और आपको ऊपर से लेके नीचे तक 6/6 तक पढ़ना है। ये जो चार्ट है ये अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग नंबर्स में या अलग सिंबल्स में दिखाया जा सकता है आपको। जैसे अगर आपकी लोकल लैंग्वेज है तो उसमें भी ये चार्ट आ सकता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें ध्यान से, तो अगर आप ऊपर वाला वर्ड पढ़ लेंगे तो नज़र 6/60 या 660 होगी, इसके नीचे वाला पढ़ेंगे तो 636 होगी, इसके नीचे वाला पढ़ेंगे तो 624 होगी, इसके नीचे वाला पढ़ेंगे तो 618 होगी, फिर आपकी 612 आएगी, फिर आपकी 69 आएगी और फिर आपकी 66 आएगी। तो आपको ये ऊपर से लेके नीचे 66 तक पढ़ना है अगर आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना है बिना किसी एड के, एक आंख बंद करके, फिर दूसरी आंख से दूसरी आंख बंद करके। अच्छा, उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है उसको कलर विजन की टेस्टिंग करते हैं, और वो हम इशारा टेस्ट से करते हैं, और वहाँ पे भी आपका इशारा से ही कलर विजन देखा जाएगा। इसमें भी एक टाइम पे एक आंख टेस्ट होती है, तो इस तरह का चश्मा पहना के आपको ऑक्लूडर लगा सकते हैं या फिर हाथ से आंख बंद करवा सकते हैं। तो इशारा में कुछ प्लेट्स होती हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये आपको प्लेट दिख रही है, इसमें अलग अलग रंग के नंबर होते हैं, तो वो नंबर पढ़ के आपको बताने होते हैं। तो जैसे इसमें दिख रहा है 12, 8, 9, 29, 57, 5, 3, इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग प्लेट आपको दिखाई जाएगी। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो या तो आपको ये नंबर गलत पढ़ने में आएगा या फिर ये नंबर दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे वो लोग पता लगा पाएंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी होता है इस मेडिकल टेस्ट में। उसके बाद जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प में एक इस तरह की मशीन होती है जहाँ पे आँख को टेस्ट किया जाता है, और इस मशीन में आँख की कोई भी खामी, कोई भी गड़बड़ या आँख में कोई निशान है या आँख में कोई और प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ इस मशीन में पकड़ी जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेस्ट अब किया कैसे जाता है। तो पहले आपको ऐसी मशीन पर यहाँ पर चिन्ह रखवाया जाएगा और माथे को आगे चिपकाने को बोला जाएगा, और डॉक्टर जो है स्लिट लैम्प से अलग अलग मैग्निफिकेशन में आपका जो है आंखों को एग्ज़ामिन कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से आंखों में एग्ज़ामिन होता है, एक इसमें लाइट निकलती है और उससे आंखों की सारी खामियां जो है वो डिटेक्ट हो सकती हैं। तो इसके बाद जो टेस्ट आता है उसको हम कहते हैं फंडोस्कोपी या फिर पर्दे की जाँच। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करा जाता है।
तो नेक्स्ट जो टेस्ट होता है उसको हम फंडोस्कोपी कहते हैं, जहाँ पे आपका रेटिना या पर्दे की जांच करी जाती है। तो फंडोस्कोपी के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम इनडायरेक्ट ऑप्थाल्मोस्कोप कहते हैं। हालांकि ये टेस्ट लिट लैम्प पे भी किया जा, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको फिर ऐसे लिटाया जाएगा। पहले आँखों की पुतली को फैलाया जाता है एक ड्रॉप डाल के, जो करीब आधे घंटे में अपना असर दिखाती है, और फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से आँख का पर्दा जो है वो चेक करा जाता है। तो जो डॉक्टर होंगे वो हाथ में एक लेंस लेके आपका पर्दा पूरा 360 डिग्री चेक करेंगे। तो ऐसे करके फंडोस्कोपी या फिर पर्दे की जांच जो है वो करी जाती है। तो ऐसे ही पहले एक आंख और फिर दूसरी आंख। तो ये जो चार टेस्ट मैंने आपको दिखाए, विजन का टेस्ट जिसमें आपकी फॉगिंग का टेस्ट आता है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फंडोस्कोपी और कलर विजन, ये जो टेस्ट हैं ये मोस्ट पॉपुलरली टेस्ट करा जाता है, सबसे कॉमनली टेस्ट करा जाता है। इसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जो स्पेशल सिचुएशंस में करे जाते हैं, जैसे कि आपका फील्ड ऑफ विजन का टेस्ट हो गया, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट हो गया, मेसोपिक प्यूपल हो गया, डार्क नाइट या नाइट विजन का टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट जो हैं ये बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में करे जाते हैं, अक्सर नहीं करे जाते। जैसे कि अगर आपको भेंगापन हो या स्क्विंट की प्रॉब्लम हो तो आपका बाइनोकुलर विजन का टेस्ट होगा। अगर उनको लगता है कि आपकी फील्ड ऑफ विजन में प्रॉब्लम है तो वो एक कन्फ्रंटेशन टेस्ट करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अगर आपको उनको लगता है कि नाइट विजन में प्रॉब्लम है तो वो आपका एक नाइट विजन का टेस्ट करेंगे, जिसमें आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा देंगे 20 से 30 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको अलग अलग इमेजेस दिखाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इन इमेजेस को रिकग्नाइज करिए या पहचानिए। तो इस तरह के टेस्ट हैं, कॉमनली परफॉर्म नहीं होते। इन टेस्ट के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाई एंड मशीन चाहिए होती है, तो यूजुअली इन टेस्ट के लिए वो आपको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फील्ड ऑफ विजन का कन्फ्रंटेशन का टेस्ट कैसे करा जाता है, कि फील्ड ऑफ विजन कैसे चेक किया जाता है वहाँ पे। हालांकि फील्ड ऑफ विजन को एक्यूरेटली चेक करने के लिए बहुत हाई एंड मशीन्स होती हैं, हाई फाई मशीन्स होती हैं, लेकिन ये मशीन्स आपके गवर्नमेंट मेडिकल में नहीं अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ पे एक क्रूड, एक साधारण मेथड से आपका फील्ड ऑफ विजन चेक किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम कि एक डॉक्टर होता है और एक वो बंदा होता है जिसकी फील्ड ऑफ विजन चेक करनी है। तो डॉक्टर और वो बंदा फेस टू फेस बैठते हैं और डॉक्टर अपनी राइट आई बंद करता है और पेशेंट को भी अपनी राइट आई बंद करने को कहता है। और इसमें हम डॉक्टर की आई की फील्ड जो है वो पेशेंट की आई की फील्ड से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि डॉक्टर की आई की फील्ड जो है वो नॉर्मल है, और अगर जो डॉक्टर देख रहा है पेशेंट भी उसी टाइम देख रहा है तो पेशेंट की फील्ड भी नॉर्मल मानी जाती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करा कैसे जाता है। साइड से पेन आएगा और पेन को पेशेंट को बताना होता है आपको कब दिख रहा है। तो मुझे बताना कब पेन दिखना शुरू हुआ। दिख रहा है? तो जब पेशेंट को पेन दिखा तभी मुझे पेन दिखा, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट की फील्ड जो है वो नॉर्मल है। ऐसे ही ये कन्फ्रंटेशन टेस्ट होता है। हालांकि एक रफ आइडिया मिलता है इससे फील्ड का, फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक्चुअली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे ये करके आपको बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि फील्ड आपकी नॉर्मल है कि नहीं। तो ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गवर्नमेंट रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ALP या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और A1 में यही सारे टेस्ट जो हैं परफॉर्म करे जाते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे वहाँ पे जाके आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है और कैसे इन टेस्ट को आप इजीली पास कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।